नागपुर में 15 साल की छात्रा से गैंग रेप करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गैंग रेप की यह घटना 6 माह पहले की है। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का मामा और उसके दोस्त ने मिलकर पीड़िता से गैंग रेप किया। जब लड़की प्रेग्नेंट हुई तो मामला सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, तो वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। घटना सरकांडा थाने की है। सरकांडा क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय लड़की 9वीं कक्षा की छात्र है। 2 दिन पहले अचानक उसके पेट में दर्द हुआ, तब परिजन उसका इलाज कराने के लिए अस्पताल ले गए। अस्पताल में जाँच के बाद पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है। नाबालिग के प्रेग्नेंट होने की जानकारी मिलते ही परिजन परेशान हो गए। तब लड़की ने अपनी आपबीती बताई। उसने बताया कि जनवरी में उसका मामा छवि यादव अपने दोस्त किशन यादव के साथ घर आया था। तब वह घर पे अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर रिश्तेदार मामा और उसके दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आईटी उत्तम साहू ने बताया कि सोमवार को सरकांडा थाने में पहुंची लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि वह 26 जनवरी को अपनी दीदी के गाँव गई थी। उस समय उसकी बेटी घर पर अकेली थी। उसी का फायदा उठाकर किशन यादव और छवि यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी किशन यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।